नमस्ते बालाजी, हिंदी टारा में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लाइब्रेरियन। जो लोग लाइब्रेरी रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, और एंजल की गाइडेंस से जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन, अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं जमीनारी यानी मिथुन राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ कप्स, ये आपसे दोस्ती चाहते हैं भाई, माफी मांगना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, द सन के कार्ड, ये रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना, परिवार बनाना, हो सकता है बच्चों की वजह से ये रिश्ते में दोबारा आना चाहते हैं, और आपके साथ रिश्ते में आके आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। ये आपको अपने लाइफ में बहुत अच्छा एक जगह देना चाहते हैं। जेमिनाई, ये हैप्पी का कार्ड है, ये आपके साथ रिश्ते में जो है, इस रिश्ते में एडिक्शन अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा है। इस रिश्ते को ये धीरे धीरे एक स्टेबल रिश्ता बनाना चाहते हैं, पारिवारिक रिश्ते में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते में भी मेहनत करना चाहते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी ये मेहनत करना चाहते हैं। अगर ये पहले से ही आपके साथ शादीशुदा है, आपकी बच्चों की माता या पिता है, तो ये आपको एक मेजर खुशी, हैप्पी गुड न्यूज देना चाहते हैं। जो रिश्ता पहले इतना अच्छा नहीं था, अब इस रिश्ते के लिए ये मेहनत करना चाहते हैं। अगर पहले ही अच्छा था तो इसे और अच्छा बनाने के बारे में ये सोच रहे हैं। आपकी करंट फीलिंग्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस वर्गो, कोई लियो, कोई कैंसर। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। टावर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड एस ऑफ सोर्ड्स, आप चाहते हो कि सब सच्चाई बाहर आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि आपके वक्त, अच्छे वक्त आपका साथ दे दे, वक्त का पहिया आपकी तरफ घूम जाए, सडन कोई चेंजेस आपके लाइफ में आ जाए, गेन हो जाए, आपको पैसे मिल जाए, रिश्ते की क्लैरिटी मिल जाए, अचानक से ऐसा कुछ हो जाए, जो भी परेशानी था आपका सारा परेशानी खत्म हो जाए और आपको रिश्ते की क्लैरिटी, लाइफ की क्लैरिटी सब मिल जाए, साथ ही साथ पैसा भी मिल जाए आपको। कहीं कहीं आप, कोई लोग तो लॉटरी के बारे में भी सोच रहा है कि उनको लॉटरी मिल जाए। अगर आप लोग बहुत ज्यादा लॉटरी की टिकट खरीदते हो तो आपको लग रहा है कि आपको लॉटरी मिल जाए, ऐसा हो भी सकता है, आपको पैसा मिल भी सकता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड आए हैं, ये सडन गेन को दिखाता है, आपकी लाइफ में कुछ सडन गेन होने जा रहा है जो आपने सोचा नहीं था, ऐसी कोई कुछ मिलने जा रहा है, खास करके पैसा। आप चाहते हो कि आपकी लॉटरी लग जाए, आपके वक्त सही हो जाए, वक्त का पहिया आपकी तरफ घूम जाए, आपको गुड न्यूज मिल जाए, क्लैरिटी मिल जाए, ये इसकी इंतजार आप कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। जेमिनाई,
पेज ऑफ सोर्स क्लैरिटी इनको भी चाहिए, दोस्ती तो ये पहले से ही आपसे चाहते हैं, या आपको स्टॉक करता है बंदा ऑनलाइन, बंदा या बंदी जो भी है। ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्स, ये आपको ऑनलाइन स्टॉक करता रहता है बंदा या बंदी आपको, और ये आपके साथ दोबारा से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। अच्छे पलों को बंदा याद कर रहा है, जिनके करेगा जो अच्छे वक्त आप लोगों ने साथ गुजारा है एक दूसरे के साथ, उन पलों को ये याद कर रहा है। मुझे लगता है तो ये आपकी बच्चों की माता या पिता हो सकता है, बच्चों की वजह से ये रिश्ते में आ सकता है। साथ साथ ही साथ बच्चे, मैं सिर्फ नहीं कहूंगी, आपके साथ जो अच्छे पल वक्त इन्होंने गुजारा उस वक्त को भी याद कर रहा है। और जो लोग शादीशुदा नहीं है वो शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने रिश्ते, उस अच्छे पलों को यादगार बनाने के लिए शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहेंगे, ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन डर रहा है बंदा, खुद को रोक के रखा है कि पूरी तरीके से स्टेबल ना हो जाए जब तक तब तक नहीं आएंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनके पास कम है, ये आपको स्टॉक कर रहा है ऑनलाइन, ये आपको बच्चों की एनर्जी में भी देख सकता है। कभी कभी आपको ये देखता है, ये एक बच्चा जैसा एनर्जी है, ये कब क्या बोल दे, कब क्या कर दे, ये आपको खुश देखना चाहते हैं, खुश रखना भी चाहते हैं, लेकिन शायद इनके पास उतनी काबिलियत नहीं है कि आपको खुश रखे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप स्टेबिलिटी चाहते हो, नई शुरुआत चाहते हो, रिश्ते में दोस्ती चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, पैसे चाहते हो, पैसे से रिलेटेड गुड न्यूज मिल जाए ये चाहते हो, तो पैसे की मामले थोड़ी गड़बड़ है इस रिश्ते में। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे, टू ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पहले भी मैंने कहा आप कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, आपको लगता है ये बंदा आपको दुविधा में रखा है, आपको लगेगा ये आपको धोखा दिया है, इनके लाइफ में कोई और है, इनके बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, तो आपको क्लैरिटी और स्टेबिलिटी दोनों चाहिए। जब तक आपको ये नहीं मिलेगा आप रिश्ते में आगे नहीं बढ़ोगे। इनके पास और रिश्ते हो सकते हैं, फिजिकली ये आपके साथ एडिक्टेड है, अट्रैक्टेड है, लेकिन इनके परिवार भी हैं। हो सकता है बच्चों की वजह से ये उस रिश्ते को रख रहे हैं, और आपके साथ प्यार का रिश्ता है इनका। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि दोबारा से कर पाओगे, कि दोबारा से इस पर भरोसा करें, इसके साथ जाएं, रिश्ते को आगे बढ़ाएं या नहीं। अगर इनके पास पहले से परिवार है, बच्चे हैं, तो भी, ये आपके साथ शादीशुदा है तो भी, क्योंकि आपके लिए तो ये बंदा भरोसे का लायक ही नहीं है। इन पर भरोसा करके आपने शायद आपको धोखा मिला है, ये स्टेबिलिटी नहीं दे सकता, ये आपको स्टेबल ऑफर नहीं दे सकता, ये सिर्फ प्यार प्यार कर सकता है, बाकी कुछ इनसे मिलने वाला नहीं है, खास करके स्टेबिलिटी तो नहीं मिल सकता। इसलिए आप दुविधा में रहोगे, आप सोचोगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। अभी आप बेवकूफ नहीं बनोगे, धोखा नहीं खाओगे, पहले इनके चिकनी चुपड़ी बातों से आपने धोखा खा लिया। जब भी ये आते हैं आपके तरफ, आके आपको मोल्ड कर लेते हैं अपनी बातों से, अपनी अदाओं से, अंदाज से, और आप मोल्ड हो जाते हैं, फिर से ये आपको धोखा दे देते हैं। अभी आप धोखा नहीं खाना चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम।
पेज ऑफ वॉन्ट्स नई शुरुआत होने जा रहा है, ये आ रहा है आपके तरफ और आप उनको माफ भी कर दोगे। देख लेते हैं, दोस्ती से रिश्ता आगे बढ़ेगा, कुछ नया करने के बारे में सोचेगा ये बंदा या आप दोनों ही। आप तो इनको इम्पोर्टेंट नहीं दोगे, लेकिन ये आ रहा है भाई आपके तरफ। हाँ, टेन ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स के कार्ड भाई दो दो बार आए। इस कार्ड को मैं दिखा दूं, लवर्स के कार्ड दो बार आए हैं। लस है रिश्ते में बहुत ज्यादा। ये बंदा पारिवारिक बंदा है, इनके पास परिवार का रिश्ता है, मेहनत से इन्होंने सब कुछ कमाया है, अपने पैसे, परिवार, शोहरत, इज्जत, प्रैक्टिकल बंदा है। अब ये बंदा आपको स्टेबिलिटी दे सकता है, इसकी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको स्टेबिलिटी देगा, आपके साथ परिवार बना सकता है। अगर ये आपके साथ परिवार नहीं बनाया था पहले, अभी बना सकता है, क्योंकि ये मैडली एडिक्टेड है आपके प्रति, कुछ भी कर सकता है। अभी ये बंदा नई शुरुआत करेंगे रिश्ते में, बहुत अच्छा आउटकम आया है, बहुत अच्छा। और जमिनाई आपकी रीडिंग में आपके कार्ड अगर दो दो बार आ जाते हैं तो क्या कहेंगे, वेरी पॉजिटिव साइन। ये बंदा पहले लस्ट था इनको रिश्ते में, अट्रैक्शन था, फिजिकल अट्रैक्शन था, इस रिश्ते की परिणाम ये नहीं जानते थे कि ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा। सिर्फ मिलना है, रिश्ते बनाने हैं, रिश्ते को चलाना है, लेकिन अभी ये रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं। स्टेबल ऑफर आपको देंगे ये, आप इनसे स्टेबिलिटी मांग रहे थे, कमिटमेंट मांग रहे थे, तो ये देगा आपको। सोच बदल गया बंदे का, बंदा या बंदी जो भी है। कॉम्प्रोमाइज, रिश्ता बिना कॉम्प्रोमाइज के कोई भी रिश्ता नहीं चलता है। अगर ये आपके साथ अपना परिवार चाहते हैं और इनके पास पहले से ही परिवार है, बच्चे हैं, तो आप जान के इनके साथ रिश्ते में हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर ये इनका परिवार नहीं है, जिनके लिए परिवार नहीं है रिश्ते में, ये बंदा थोड़ी फिनेंशियली पुअर है, क्योंकि ये पैसे के लिए मेहनत करने के लिए राजी है, कर भी रहा है, तो भी आपको थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपको तो स्टेबिलिटी चाहिए, तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी ये आपको देगा। मेहनती बंदा या बंदी है, मेहनत करके ये सब कुछ कमाएगा और आपको स्टेबिलिटी भी देगा, लेकिन आपको भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जमीनाई। तो ये रिश्ता जैसा आप चाहते हो वैसा बन सकता है, सिर्फ आपकी कॉम्प्रोमाइज की जरूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।